हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ये देखिए, मैं आज आपको ये राउंड शेप में टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 30 फंदे से बनाया है। 30 फंदे से ये देख सकते हो आप, ये इतना बड़ा बना हुआ है, ये देखिए। और मैंने इसको फ्रेंड्स मल्टी कलर में बनाया है। आप अपनी च्वाइस है, अगर आप मल्टी कलर में इसको बनाना चाहो तो मल्टी कलर में बना सकते हो, और अगर आप इसको दो कलर में बनाना चाहो तो दो कलर में भी बना सकते हो। ये मेरे पास थोड़ी थोड़ी ये ऊन बची हुई थी, तो देखिए अगर आपको ऐसे ही बनाना है तो देखिए फ्रेंड्स, एक इस कलर की बना के तीसरी कली फिर आप इसी कलर की बनाएंगे तो आपके आमने सामने ये ऐसे कलर सेट हो जाएंगे। तो देखिए ऊपर से इसकी फ्रेंड्स हार्ट शेप है, ये देखिए, और अंदर मैंने इसमें सर्कल में दूसरा कलर लगाया है। आपकी अपनी चॉइस है आप इसको कैसे बनाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगी। डिजाइन को समझने के लिए प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिए। इसमें देखिए मैंने सिंपल धागे से और सिंपल फंदे डाले हैं, कोई मैंने इसमें अभी रो नहीं बनाई है। तो देखिए फर्स्ट रो से मैं ही आपको बताऊंगी, ये हमारी बेसिक रो है। इसमें हम अपने दोनों कलर ज्वाइंट कर लेंगे। 15 फंदे मैंने येलो के डाले हैं और 15 फंदे मैंने ये ब्लू के डाले हैं। अब आप देखिए, ये सारे हमने बना लिए। अब ये देखिए, ये दूसरा फ्रेंड्स हमने ऐसे बनाना है, ये ऊपर लेना है और ये जो इसका है नीचे से, ये इसके ऊपर ऐसे क्रॉस करके लेके आना है, तभी यहाँ पे हमारा ज्वाइंट लगेगा। ये देखिए, एक रो और हम बनाएंगे तो दोनों ही कलर हमारे ज्वाइंट लग जाएगा। ये बेसिक रो है हमारी, इसमें अभी हम डिजाइन अपना शुरू नहीं करेंगे, खाली हम दोनों कलर ही ज्वाइंट करेंगे। जो भी फ्रेंड्स आपने अंदर डालना है, अंदर सर्कल में लेना है, वो आपने पहले डालना है फंदे उस कलर के। ये मेरा ब्लू कलर है, ये मैंने इसमें पहले डाले थे, येलो मैंने ऊपर बाद में डालना था। ये देखिए, इस साइड से हम ऐसे ही उतार लेंगे। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर आप हर बार ऐसे ही इसको बनाइएगा। ये देखिए, इसको आप ऐसे खींच लीजिए। इस धागे को फ्रेंड्स हम देखिए पीछे करेंगे, इसको पीछे करेंगे और ये येलो है इसको आगे लेके आएंगे और ऐसे क्रॉस करके लेके आएंगे। ये देखिए, खींच के क्रॉस करना आप इसको, और इसको भी आप ऐसे खींच दीजिए। ये देखिए, खींच दोगे तो हमारा यहाँ पे ज्वाइंट अच्छे से लग जाएगा। ये दो रो हमने उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से ये बेसिक रो हमने बना ली हैं। किनारे के फंदे को देखिए, आप ऐसे इसको सीधा बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, जॉइंट हमारा यहाँ पे लग गया है। अब हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट वाले फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और यहां से एक फंदा हम अंदर से बढ़ा लेंगे। फंदे बढ़ाने के फ्रेंड्स आपको मैं एक तरीका और बताऊंगी। ये देखिए, फर्स्ट वाले से डाला और इसमें से हम ये बना लेंगे।
और एक हम इसको बना देंगे। एक फंदे से हमने यहाँ पे दो फंदे बना लिए और ये हम आगे के जहां तक मेरा येलो कलर है मैं येलो से बनाऊंगी। आप ध्यान से देखिए, यहां फिर से हम ऐसे करेंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे और ये है, इसको हम नीचे से ऊपर से हम बना देंगे, जिसको आप ऐसे खींच लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से हमारा जॉइंट लगेगा फ्रेंड्स, ये देखिए। और लास्ट में दो फंदे मैं छोड़ दूंगी, ये देखिए लास्ट में दो फंदे छोड़ दूंगी और मैं यहीं से वापस मुड़ जाऊंगी। ये एक बार आप और इस साइड से देख लीजिए, ये देखिए ये हमने ब्लू से बनाए। अब इस धागे को हम पीछे करेंगे और पीछे से ऐसे क्रॉस करके येलो खींच के आगे लेके आएंगे और हम ये आगे के येलो से बना देंगे। अपने फ्लावर की फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग कर ली है। पिछली बार हमने एक फंदा बढ़ाया था, देखिए बड़े हुए फंदे को भी हम बना लेंगे और किनारे वाले को हम ऐसे सीधा बनाएंगे। एक बार आप और देख लीजिए, इसको उतारेंगे फ्रेंड्स, इसमें से हम यहां से भी एक फंदा, इसमें से भी हम ऐसे भी हम बढ़ा सकते हैं। एक बार ये बना लिया, एक बार हमने आगे से बना लेंगे, एक बार पीछे से एक बार आगे से, ये देखिए दो फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे तीन फंदे और बढ़ाऊंगी, ये हमारे 30 फंदे हैं। पहले मैं आपको पीछे के 10 फंदे का बताऊंगी हमें क्या करना है। दो दो करके हमने 10 फंदे छोड़ने हैं, ये देखिए इसको हम इसे ऐसे कर लेंगे और इससे हम बना लेंगे और दो फंदे मैं इस बार छोड़ दूंगी। देखिए फ्रेंड्स दो फंदे छोड़ दूंगी और मैं यहीं से वापस मुड़ जाऊंगी और इस साइड में दो फंदे बढ़ा लिए, तीन फंदे और बढ़ाऊंगी और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 6 फंदे और छोड़ दूंगी। 10 फंदे छोड़ने तक मैं आपको बताऊंगी। 10 फंदे छोड़ लेती हूँ, इधर 5 फंदे, 3 फंदे और बढ़ा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए ये 10 फंदे मैंने दो दो करके यहाँ तक छोड़ दिए हैं और यहाँ पे 5 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने इस फ्लावर की ये गोलाई बनानी है, ये वाली, यहाँ तक हमारे फंदे यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ गए हैं, अब ये हमें गोलाई बनानी है। तो वो कैसे बनेंगी देखिए, यहाँ से अब हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे जैसे हैं। मैंने 5 बढ़ाए हैं, अगर आपका ज्यादा बढ़ाओ तो आप ज्यादा भी इसमें बढ़ा सकते हो। ये देखिए पीछे 10 फंदे हमने छोड़ दिए हैं, अब जो बीच के 10 फंदे हैं उनका हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, फिर बाद में मैं ऊपर के 10 फंदे का बताऊंगी। 30 फंदे हमने 3 बार डिवाइड किए हैं, ये देखिए यहां से देखिए फ्रेंड्स, अब आपको दिखाई देगा ऐसे क्रॉस करने से हमारा सिलाई की तरह से सिल जाएगा। ये देखिए ज्वाइंट हमारा अच्छे से लगेगा, जैसे मैंने बताया ऐसे इसी तरीके से आप करना। दो फंदे मैं और छोड़ दूंगी और मैं फ्रेंड्स यहीं से वापस मुड़ जाऊंगी। तो दो दो करके हमने 10 फंदे पीछे छोड़ने हैं और देखिए जब हम छोड़ेंगे ये अगली बार दो फंदे छोड़ देंगे और उसके बाद अगली बार जब दो फंदे छोड़ देंगे तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, एक इस कलर का ले लेंगे और एक इस कलर का, ये जोड़ा बना के हम ये छोड़ देंगे। तो 10 फंदे और हमने ऐसे ही एक बार छोड़ दिए, 4 बार मैं
और दो दो करके ऐसे ही छोड़ दूंगी। सॉरी आपसे बातें करने में, इसको पीछे करेंगे, पीछे से आगे लेके आऊंगी। तो दो दो करके मैं 8 बार 8 फंदे और छोड़ दूंगी। ऊपर से हम ऐसे ही बनाएंगे, फिर मैं आपको 20 फंदे हम पीछे दो दो करके छोड़ देंगे, 10 फंदे हमारे बच जाएंगे, उनका फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी हमें क्या करना है। ये देखिए, इसको हम सीधा बनाएंगे, इसको सीधा बनाने से ये हमारी ऐसी बाउंड्री बनेगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये दो दो करके ये 10 फंदे और छोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ऊपर के 10 फंदे का बताऊंगी हमें क्या करना है। देखिए, यहाँ से मैंने इसकी फ्लावर की गोलाई बना ली है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे ही बनाया जैसे था, और पीछे हमने दो दो फंदे 5 बार और छोड़ दिए। तो फ्रेंड्स, पहले 10 फंदे हमने छोड़े जब हमने 5 फंदे यहाँ पे बढ़ाए थे, फिर आगे के हमने 10 फंदे जब छोड़े जब हमने यहाँ से ऐसे ही इसकी फ्लावर की गोलाई बनाई है, तो 20 फंदे हमने छोड़ दिए। ये 30 फंदे पे मैंने सिखाया है, ये 10 फंदे हमारे ये देखिए ये बचे हुए हैं, और 5 फंदे हमारे जो बड़े हुए हैं वो 15 फंदे हमारे बचे हुए हैं। तो अब देखिए इनका हमें क्या करना है, जैसे हमने नीचे फंदे बढ़ाए थे ऐसे ही अब हमने घटाने हैं। फर्स्ट वाला उतारेंगे, ये देखिए ये 2 का 1 कर देंगे, जहां तक हमने फंदे छोड़ रखे हैं उसके आगे के 2 फंदे और हम छोड़ देंगे। ये देखिए, यहां तक हम छोड़ते आए थे, ये 2 फंदे और छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। किनारे वाले को हम, इसको आप हमेशा ऐसे सीधा ही बनाना। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत ही अच्छी किनारी बनेगी सफाई के साथ। एक बार और देख लीजिए, फर्स्ट वाला उतारेंगे, अंदर से हम 2 का 1 कर देंगे। जितने भी आपने फ्रेंड्स फंदे बढ़ाए हो, मैंने यहाँ पे 5 फंदे बढ़ाए थे, आप इसमें ज्यादा कम भी कर सकते हो, लेकिन जितने आप फंदे बढ़ाओ उतने ही फिर आपने कम करने हैं। ये देखिए, अब उसके आगे के मैं 2 छोड़ दूंगी और मैं यहीं से वापस मुड़ जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 3 फंदे और घटाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगी। देखिए, 4 फंदे मैंने घटा लिए हैं, 5वां फंदा मेरा बचा हुआ है। तो लास्ट वाले को आपने कैसे घटाना वो आप देखिए। फर्स्ट को उतारेंगे, इसके साथ हम 2 का 1 कर देंगे, 5 फंदे हमने घटा लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जितने हमने फंदे दो दो करके छोड़ रखे हैं, इस रो में हम उनको बना लेंगे। जो आपने कलर लगाया है, जो जिस कलर से आपको दिखाई देगा उसी कलर से बनाना है। ये आगे के मैं 15 फंदे येलो से बनाऊंगी, ये देखिए, और ये आगे मेरा ब्लू है, तो इस धागे को हम ऐसे करेंगे, ये ऐसे क्रॉस करके, ये देखिए ऐसे लेके आएंगे, और आगे के हम इस कलर से बना देंगे। ये देखिए, एक बार की ये हमारी कली बनके ये कंप्लीट हो गई है। इस रो को हम ऐसे ही उतारेंगे, देखिए
इसको पीछे करेंगे, पीछे से क्रॉस करके आगे लेके आएंगे। क्रॉस करना फ्रेंड्स आप मत भूलिए। ये देखिए, ये पूरी एक बार की कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई। अगर फ्रेंड्स आपको ये इतनी छोटी छोटी कली बनानी है तो आप यहाँ से दूसरा कलर लगा लीजिए। ये देखिए, यहाँ से दूसरा कलर लगा के आप इतनी छोटी छोटी कली बना सकते हैं। लेकिन मैंने ये डबल बनाई है, ऊपर से देखिए पूरी हार्ट शेप दी है, तो मैं इसमें डबल करोगे तो आपको वो कैसे करना है। दोबारा से हम अपना वो ही स्टार्ट करेंगे डिजाइन। ये देखिए, एक फंदा बढ़ाया, एक बार पीछे से इसको फिर से बढ़ा दिया। ऐसे भी आप फंदे बढ़ा सकते हो। बाकी के हम सारे फंदे ये देखिए एक बार देख लीजिए। दूसरी कली की मैंने स्टार्टिंग कर ली, पांच फंदे मैं बढ़ाऊंगी और पीछे मैं दस फंदे छोड़ दूंगी। फिर उसके आगे के फ्रेंड्स दस फंदे मैं आगे से कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी, फ्लावर की गोलाई देंगे हम, ऐसे ही बनाएंगे और दो दो ऐसे ही छोड़ते जाएंगे। और लास्ट वाले 10 फंदे वो मैं पांचों फंदे घटा दूंगी एक एक करके, और पीछे से मैं दो दो फंदे छोड़ते जाऊंगी। लास्ट फंदे में मैं पूरे हीरो बना के कंप्लीट करूंगी, ये जैसे मैंने अभी बनाई है। इसी पैटर्न को आपने रिपीट करना है। ये देखिए, दो फंदे हम छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स मैं एक बार ये और कली बना के सेम जैसे नीचे बनाई है उसके ऊपर फिर आपको सेकंड कलर लगाना बताऊंगी कि हमें कब और कैसे लगाना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने दो कली बना के कंप्लीट कर लिया है। ये आप देख सकते हो बिल्कुल जैसे ये मैंने आपको दिखाई थी ऐसे ही मैंने ये ऊपर बनाई है। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। अगर आपको इसी कलर से बनानी है तो आप कंटिन्यू बनाइए, नहीं तो मैं यहां से देखिए दूसरा कलर लगाऊंगी। ये देखिए, ये पीछे का ये आप ऐसे बनाए, ये सर्कल हमारा जैसे मेरा ये इसमें बना हुआ है, सर्कल हमारा जब बनेगा जब हम इसी कलर को इसमें रखेंगे। इस बार हमने इसमें अपना कलर ऐड किया है तो ये सारे ही फंदे हम बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, कलर हमने इसमें ऐड कर लिया है। इस रो को भी हम ऐसे ही, मैं इस रो को उतार लेती हूँ फिर मैं आपको आगे। ये देखिए, दूसरा कलर हमने ऐड कर लिया है। यहां से फिर हम अपना वैसे ही इसमें फंदा बढ़ाएंगे। एक बार ऐसे किया, धागा पीछे किया, एक फंदे में से दो फंदे हमने बना दिए और इसको हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने नीचे स्टार्टिंग की थी, ऐसे ही हमने अपने कली की स्टार्टिंग कर ली है। पांच फंदे हम इस साइड बढ़ाएंगे। आगे आगे का कलर हमने इसमें चेंज किया है, पीछे का हम ये देखिए, इसको आप ऐसे ही करना जैसे आप करते आए हो। और एंड में दो फंदे हम छोड़ देंगे। देखिए, यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको दो कलर से बनाना है तो इसके बाद फिर आप ये लगा लीजिए, और मेरे की तरह आपने आमने सामने फ्लावर देने हैं।
तो देखिए इसके बाद आप दो दो कलर और लगाओगे, तीसरा कलर जब आप लगाओगे तो आपके ये फ्लावर आमने सामने आएंगे। तो जब कंटिन्यू आप बनाओगे फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से इसकी कुछ लुक आएगी, ये आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना, और आपको ये डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नया डिजाइन अपलोड करूं वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।